भाजपा सांसद अर्जुन लाल मीणा ने भरे मंच पर असम के राज्यपाल कटारिया से गुहार लगाई थी कि भाई साहब, आपके जाने के बाद हम सब अनाथ सा महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने समय में राजा महाराजा का राज था, ऐसा अब मुझे लगता है। अब हर आदमी अपना स्टेट लेके बैठा है, मेरा ये है, मेरा ये है, लेकिन संगठित रूप से जो काम होना चाहिए मुझे उसमें कमी नज़र आती है। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा ही चलता रहा तो आपके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उदयपुर में वापसी भारतीय जनता पार्टी की हो पाएगी। मतलब साफ था कि बिखराव को समेटें, डांट कर एक दिशा में काम करने को कहें, नहीं तो सब दिशा विहीन हो रहा है। उस मंच पर कटारिया जी मौजूद थे और इस बात को उन्होंने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। तभी तो इस गुहार को ध्यान में रखते हुए भाजपा कोर कमेटी की गुप्त बैठक मंगलवार शाम काया के जैन मंदिर में हुई। नाकोड़ा जी से लौटते समय असम के राज्यपाल कटारिया भी शामिल हुए। बैठक में चुनावी साल को देखते हुए पार्टी में चल रही खींचतान कम करने पर जोर दिया गया। नेताओं को परिवार की तरह जुड़े रहने की नसीहत के साथ ही हर तरह का विवाद खत्म करने के निर्देश मिले। एक बात तो तय है, कटारिया जी भले ही असम के राज्यपाल बन गए हों, परंतु उन्हें मेवाड़ की राजनीति से अलग करना लगभग नामुमकिन है। अभी भी पकड़ पूरी है महामहिम के। शाम 4 से 6 बजे चली बैठक में गुलाब बाग, कचरा संग्रहण व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। शहर जिलाध्यक्ष रविन्द्र शिमाली, देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, मेयर जीएस टांक, नगर निगम के निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, दिनेश भट्ट, पूर्व सभापति रजनी डांगी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी और चुन्नीलाल गरासिया भी शामिल थे। बड़ी बात यह है कि जिसने गुहार लगाई थी यानी बैठक से सांसद अर्जुन लाल मीणा को, उनको भी नहीं बुलाया गया। साथ ही ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, डिप्टी मेयर पारस सिंह भी, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी और महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा को भी इस बैठक से दूर रखा गया। विधायक पद के दावेदारों में शामिल के गुप्ता, डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री, प्रदीप शिमाली, प्रदीप कुमावत, मनोहर चौधरी, अतुल चंडालिया को भी सूचना नहीं दी गई। बता दें कि कटारिया के उदयपुर छोड़ने के बाद यहां शहर सीट को लेकर कई नेता प्रयास में जुटे हैं। इन नेताओं में आधे लोगों को ही बैठक में बुलाने का मामला अब पार्टी के जिम्मेदारों के बीच फिर से विवादों में आ गया है। रात तक चर्चा इस बात पर होने लगी कि कोर कमेटी में शहर महामंत्री गजपाल सिंह राठौर, डॉक्टर किरण जैन, मनोज मेघवाल, देहात महामंत्री दीपक शर्मा जैसे किरदारों को भी विश्वसनीय नहीं मानते हुए बैठक से दूर रखा गया और बस इसी बात ने अब नया विवाद को जन्म दे दिया है।